ताज नगरी की प्रथम नागरिक बनी हेमलता दिवार, साक्षात बजरंगबली ने दिया है आशीर्वाद। 1 लाख से अधिक वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बता दें कि बसपा छोड़ सभी दलों की जमानत जब्त कार्यकर्ता बजरंगबली के वेश में आशीर्वाद देने पहुंचे, पूरे शहर को भगवा कर दिया है। मेयर पद पर 1,08,468 वोटों की ऐतिहासिक जीत हासिल करने के साथ ही शहर की सरकार को भी बहुमत से तैयार किया है। 100 वार्डों में 58 पर भाजपा के पार्षद काबिज हुए और भाजपा से रूठ कर निर्दलीय चुनाव जीतने वाले पार्षद घर वापसियों के लिए अभी से नेताओं का चक्कर लगाने लग गए हैं। जीत का सर्टिफिकेट मिलने के बाद भाजपाई नियमों को तोड़ते हुए बजरंगबली के स्वरूप को लेकर मंडी समिति पहुंच गए हैं। और मेयर हेमलता दिवार को उनसे आशीर्वाद दिलवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। आगरा नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए कुल 10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे, जबकि पार्षद के लिए 510 उम्मीदवार और नगरपालिका अध्यक्ष के लिए 33 उम्मीदवार चुनाव में मैदान में उतरे थे। वहीं सभा सद के लिए 351 और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 45 व सभा सद के लिए 280 से ज्यादा प्रत्याशी थे। आगरा जिले के कुल 1,214 प्रत्याशियों ने चुनाव में किस्मत आजमाई थी। भाजपा की हेमलता को 2,68,925 वोट मिले थे, जबकि बसपा प्रत्याशी लता वाल्मीकि को 1,50,000 से ज्यादा वोट मिले थे। बता दें कि बीजेपी को बेल्ट वोट में 254 वोट भी प्राप्त नहीं हुए थे। तीसरे नंबर पर सपा की जूही प्रकाश जाटव को 47,703 वोट मिले थे। वहीं चौथे क्रमांक पर कांग्रेस 18,246 और पांचवें नंबर पर आम आदमी पार्टी की सुनीता दिवाकर को 7,504 वोट से संतोष करना पड़ा था। ये तो जनता का प्यार है, आशीर्वाद है जो जनता ने मुझ पर दिखाया है। मीडिया के माध्यम से उच्च नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ कि आगरा जैसे शहर के लिए मुझे अपनी सेविका के रूप में चुना है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद देती हूँ अपने योगी जी को कि उनकी कार्यशैली के अनुसार ही आगरे में आज फिर से 7वां कमल खिला है। बहुत सारी प्राथमिकता है, पुराने प्रोजेक्ट अभी बाकी है और नए प्रोजेक्टों के साथ नए कार्य के साथ आगरा दिखाई देगा आपको 2 महीने में। थैंक यू सो मच। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन की रिपोर्ट।